अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु परीक्षण कार्यक्रम जारी रखा है और इसी क्रम में उसने आज फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को अपने पूर्वी तट के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह प्रक्षेपण उत्तर कोरिया ने ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में वॉशिंगटन में दो दिवसीय परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया को चेतावनी दी गई थी। सम्मेलन में बराक ओबामा, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत और जापान के नेता शामिल हुए थे और उनके बीच बातचीत का प्रमुख मुद्दा उत्तर कोरिया ही था। ओबामा ने उत्तर कोरिया के हालिया परमाणु परीक्षण और फिर लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण के बाद उस पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के कड़े सुरक्षा उपायों को सतर्कता के साथ लागू करने की भी वकालत की थी। तो क्या दुनिया भर की चेतावनी का उत्तर कोरिया पर कोई असर नहीं, या फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कोरिया भी एक तरह से भविष्य में परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है?